करने के लिए कढ़ाई में नमक लेके उसको अच्छी तरह गरम कर रहे हैं। अब नमक गरम हो गया, कच्ची मूंगफली डाल देंगे। बर्नर की हीट मीडियम लो पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज हीट ना हो, और मूंगफली को मिसलते रहे, लाते रहे। ध्यान रखें कि मूंगफली जलने ना पाए, मिसलते लाते रहे ताकि मूंगफली बिल्कुल नीचे ना लगे। जब मूंगफली की तेज खुशबू आने लगे तो इसका मतलब मूंगफली भून गई है, तो इसको तेल वगैरह से निकाल लें। कच्ची मूंगफली लेकर घर में इसी भून कर गरम गरम खाने का अपना ही मजा है, जो कि बाजार की भुनी हुई मूंगफली में नहीं आ सकती। मूंगफली नमक के अलावा रेत में भी अक्सर भूनी जाती है, लेकिन नमक में भुनी हुई मूंगफली का छिलका आराम से उतर जाता है। लो मीडियम हीट पर यह तकरीबन 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह फ्राई भून जाती है। सर्दियों के मौसम में, सख्त सर्दी में जब मूंगफली भुनी जाती है तो अक्सर अहले खाना इकट्ठे हो जाते हैं और साथ साथ मूंगफली भी खाते हैं और बातें भी करते रहते हैं। ये खूब एंजॉय का मौका होता है। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे हुए हैं और हम मूंगफली भून रहे हैं, साथ सर्दी को भी एंजॉय कर रहे हैं। एक मुझे भी छील के दो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ लो। बर्तन से रखें छिलके से कुछ बनाने।
पीछे फेंके और ये वगैरह सारे पीछे फेंकते हैं। मूँगफली अच्छी तरह भून चुकी है, अब इसको हमने नमक को अलग करके निकाल लेते हैं। आप भी इस तरह से गरम गरम मूँगफली खाएं, बहुत ही मज़ेदार ऐसा होता है। This is very tasty. मजा आएगा आप लोगों को भी। हम बच्चे हैं इंसान।